नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जिनके भी तो फरवरी और मार्च के फॉर्म वेरीफाई है, तो उन सभी के फॉर्म तो अप्रूव तो कब तक हो गए। तो मुझे बहुत सारे तो कमेंट आते हैं कि तो सर मेरे फॉर्म तो फरवरी के एंड के या तो मार्च अप्रैल के वेरीफाई है, तो उनके फॉर्म तो कब तक अप्रूव हो गए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप मैं सभी को मैं बता दूंगा कि आपके कौन सी डेट के फॉर्म तो कहाँ के फॉर्म और वो किस डेट तक अप्रूव होंगे। तो वीडियो को आगे तक हो तो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैं तो मेरे तो ग्राउंड के अंदर आया हूँ। तो अभी मेरे पीछे आप तो देख सकते हो जो कि एक तो मैदान है जहाँ पर ये रनिंग की तो व्यवस्था होती है, तो मैं वहीं पर आया हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि तो अभी तो कहाँ के फॉर्म अप्रूव होंगे, यानी कि किस डेट के फॉर्म अप्रूव होंगे। तो दोस्तों, अभी ये दिसंबर के अंदर अप्रूव वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो बहुत सारे तो बच्चों के मन के अंदर ये डाउट है कि सर ये फॉर्म तो अभी तो अप्रूव वाला प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो आपका अप्रूव वाला प्रोसेस ये दिसंबर या तो आपके फर्स्ट वीक के अंदर, तो या तो आपके फर्स्ट वीक के अंदर या आपके तो दिसंबर तो लास्ट वीक के अंदर 100% फॉर्म अप्रूव होंगे। तो अब फॉर्म तो कहाँ की डेट के अप्रूव हो गए, यानी कि फरवरी के अप्रूव हो गए या फिर मार्च के। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो कि 19 तो फरवरी तक के साइड तक मेरे हिसाब से फॉर्म अप्रूव हो गए। उसके बाद आपके ये जितने भी तो फरवरी के फॉर्म अप्रूव, जिनके भी फरवरी के फॉर्म वेरीफाई है, तो उनके फॉर्म वह सभी के अप्रूव हो जाएंगे। जो कि आप मान के चलिए कि आपके तो फरवरी की उम्मीद है कि ये सभी के फॉर्म अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद तो मार्च के फॉर्म ये कब तक अप्रूव हो गए, जिनके भी तो 15 मार्च या 18 मार्च तक के फॉर्म वेरीफाई है, तो उनके फॉर्म तो जनवरी के अंदर 100% अप्रूव हो जाएंगे। और इसके बाद जो कि मार्च के वो सभी फॉर्म और अप्रैल के कुछ फॉर्म आपके फरवरी में अप्रूव हो गए। तो इस हिसाब से आपका अप्रूव वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अपडेट और वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे।